आज का पहला मैच यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। स्टेट बोकारो और नॉर्थ इंडिया बोरियो झारखंड के बीच में खेल ईश्वर 0-0 के बराबरी में एक कैटेगरी देखने को मिला था। स्टेट बोरिंग बोकारो की ओर से एक बार फिर से यहाँ पर नॉर्थ इंडिया टीम के पास गए और फिर से यहाँ पर मौका होगा के पास मौका और इस बार क्रॉस किया था अभी भी मौका लेकिन हाथों लेकिन शर्ट शॉट वहां पर काफी दूर से यहां पर हाथ में एक के खिलाड़ी और यहां पर शॉट टारगेट में लेकिन उतना तेज तरह शॉट नहीं था और बातों भी अभी किसको को जानते हैं जब फिर से एक बार मौका को गवाते हुए ये दूसरा चांस होगा उनका और कितने मौके मिलेगा किसको को उनसे बढ़िया इस बार गेंद पे निकाला है 17 रन पर जैसे पर खिलाड़ी के लिए अपने हाथ पे थोड़ा सा पीछे किया था लेकिन किस्मत वाले रहे कि 5 बजे से पर खिलाड़ी के पास ये सही रणनीति होगा। दो खिलाड़ी वहां पर हेडर लेने का प्रयास इस बार वापसी यहां पर लाजवाब वापसी बोकारो स्टील सिटी की ओर से प्लेइंग बदला इस बार राइट विंग के खिलाड़ी के लिए बढ़िया मौका होगा लेकिन बढ़िया यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया गया है सर बचाने सफल यहाँ पर 5 नंबर जैसे बने खिलाड़ी बोकारो स्टील सिटी की ओर से तो यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी को भी यहाँ पर जिस तरह से कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई है बॉल पोजीशन अब तक क्या खेल में लेके तो फाल संख्या टीम के पास ज्यादा रहा है बढ़िया पास इस बार और बोकारो रेंज टीम मैनेजर बाबूराम किशु नेशनल खिलाड़ी चाहे कना और उन्हें टीम जोड़े और वर्तमान रहे झारखंड जवान और उनके टीम आदो होने ये लोग अकबर सारी टीम जीत रहा से बाबूराम की सुबह बना से एक जोड़ा सुना लेकिन जहां भी लीडर जल तो भाव हो गया बोरियो रेंज टीम है मजा गुना से ज्यादा और कहे के ना अरे किस रुपए का मामला टी शॉट ऑफ टारगेट बॉल अब्दुल मजीद तो अति सटीक किस्या तहाय करा मारते देर में कुबा अरे बढ़िया को संदाव करा ने धरी तो ये तो को मैच रहे मुख्य निर्णायक अरे बोलो ने 12 नंबर जैसे पाने खिलाड़ी बॉल में अपने दिया का परमा बोल ये जो मैं खा रहे हैं थोड़े को सो थोड़े को थे आ हम इधर पर हाल सूचना और यो फिर किसको अटी खराब है गोलकीपर होने से बाउंड का बॉल चला बढ़िया पास
ಜರ್ಸಿ ಹೊರಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ ಲಾಗಿ ಇವರು ಥೋಡಾ ಸಮಾನಂತರ ದಿಸಾರೆ ಕೋಸ್ಕಿನ ನಾ ನಂಬರ್ ಲಾಗಿ ಅದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ನೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ ಮೊತ್ತ ಹೋಗಾ और आप यहाँ पर प्रेशर को कम करने के लिए बढ़िया किया था लेकिन किसको काफी और अब यहाँ से वापसी करना होगा ये गोल तो बहुत ही जरूरी है चरण बेहतर आया था विवेक सिंह को विवेक सिंह ने पूछ किया है अनिल किशोर के लिए ये काफी बार देखने को नहीं मिला है गेंद में इस तरह से अनिल किशोर के लिए गेंद को धकेला गया है उस तरह से वो काफी कम और ये तो अनिल किशोर की ओर से एक वीडियो प्लेयर छह नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी बेल्टी और इस तरह से इसका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है ग्रीन पार्क खेल काफी बार ये शायद यही खिलाड़ी खेल रहे थे टीम से दो खिलाड़ी उस कुल मिलाकर चार एग्रो प्लेयर खेले थे इसके लिए फाइनल पर नहीं पहुंची थी और अब यहां से मौका बन रहा है बढ़िया तनाव से देखिए गेंद में काफी गति बाहर निकल जाएगी और गेंद सेंटर सर्किल के नीचे से खिलाड़ी और गेंद इस बार तीव्र गति से निकल जाएगा नजर आएगा यहाँ पर कपिल राय काफी से पुश किया है और यहाँ पर इसके बाद फॉर्मेशन में इस सिलसिले की ओर कुछ नहीं किया है जिस तरह से दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्डर आगे थे विवेक सिंह लेकिन वहां से पीछे एक बार फिर से उपेंद्र सोम अपना भविष्य सुधर रहा है ये खिलाड़ी राइट विंग के पोजीशन से खेल रहे थे पीछे आए दो यहाँ पर गेंद को बाहर निकाला है और एक कोना मिलेगा इस मैच का कुल मिलाकर के दूसरा कोना और दोनों खिलाड़ी इस तरह से विवेक सिंह और अनिल ने चर्चा था पिछला कोना को बनाने का प्रयास करवाना था बल्कि गोल एरिया में छोड़ने का प्रयास और वही किया है इस बार भी इससे कोना मिलेगा और एक शून्य बनाई हुई है हाल सुख या बॉडियों की टीम तो क्रिकेट हम आधा समय तक ये प्रचार रहेगा उनका तो मेरे ख्याल से वैसे वैसे मुश्किल बन जाएगी इस बार होता है खराब शॉट